जी अस्सलाम वालेकुम मेरे चैनल वाले, मेरे भाई, मेरी बहनें, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। टाइटल और थंबनेल आप लोगों ने देख लिया है, जैसा कि मेरा ये वीडियो आज सुहेब जो कि पाकिस्तान में इन हो चुका है, बट मेरा मेन टॉपिक जो मेन इशू है वो तुर्की को लेकर है, जो कि आप सबको पता है कि इस टाइम तुर्की और शाम के ऊपर जो इस टाइम मतलब इतना मैं कहता हूं कि बहुत दुख होता है वीडियो देखकर। बट शुएब के लिए जो मेरा वीडियो है वो ये है कि शुएब जो है वो पाकिस्तान में इन हो चुका है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उसको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रख के उसको जो सफर उसका है, जो उसने मतलब बहुत बड़ी बात होती है ये जो इसने मतलब ये जो सफर जिसमें निकला है, क्योंकि आप सबको पता है कि पाकिस्तान इंडिया का जो मेन इश्यू है। अब पाकिस्तान तो उसको पूरा सपोर्ट करेगा, बट उसकी हिफाजत भी पूरी पूरी पाकिस्तान के ऊपर है। वो इसलिए है कि आपको पता है कि बहुत सारे इस टाइम इस्लाम मुखालिफ लोग जो होते हैं वो इस टाइम पूरी कोशिश करेंगे कि शेब को कोई ना कोई नुकसान पहुंचे या कुछ उसके साथ ऐसा हो जिसमें पाकिस्तान का नाम वीक में जाए। बट अल्लाह पाक वो जिस रास्ते में निकला हुआ है उसकी हिफाजत अल्लाह पाक करेंगे, फरिश्ते करेंगे, बट यह है कि अल्लाह पाक उसको अपने हिफ्जो ईमान में रखे। मेरी ये दुआ है, इंशाल्लाह अगर मेरे किसी एरिया में जरूर आता होगा तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो के लिए उसके पास नहीं जा सकता, इसलिए मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगती। वो अपने जिस रास्ते पे लिखना है अल्लाह पाक उसको उसका अजर दे, उसने जो मतलब उसकी सोच है वो उसकी पूरी करे। बट मेरा अब मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि तुर्की और शाम को लेकर है, जहां पे बहुत बहुत खौफनाक किस्म का जलजला है। तस्वीरें वीडियो साथ साथ मैं चला रहा हूं, आप लोगों ने भी देखी होगी, बट फिर भी चलाना इसलिए जरूरी है कि ये हम लोगों के लिए एक बहुत मतलब एक जो कहते हैं ना कि हमें इन चीजों को देखकर समझना चाहिए कि अल्लाह पाक क्या है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ये नॉन मुस्लिम के लिए भी है, दुनिया में आए हुए हर इंसान के लिए जो अपने दिमाग में सोच रखता है। तो देखो ये चीज कुछ लोग होंगे इसकी मतलब फेक पुरानी वीडियो उठा के सिर्फ व्यूज के लिए इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे तुर्की को लेकर, शाम को लेकर, बट मेरी तमाम भाइयों से, यूट्यूबर से ये रिक्वेस्ट है, जिसने भी वीडियो बनानी है उनकी दुआ के लिए बनाएं, उनको सपोर्ट के लिए बनाएं। ये चीजें, ये जो व्यूज होते हैं या जो डॉलर वालर होते हैं, ये किसी भी काम के नहीं, यहीं पे रह जाए। तो प्लीज काइंडली मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी मतलब ऐसी चीज नहीं करें कि जिससे आपका सिर्फ व्यूज के लिए वीडियो होनी चाहिए, ऐसी चीज नहीं करें। बट यह कि एक छोटी सी, ये मैं उर्दू तर्जमे के साथ चलाऊंगा, उसके बाद छोटी सी बात करेंगे इसी चीज को लेकर। और मेरी तमाम भाइयों से, तमाम जो भी मुझे देखेगा इंडिया, मुस्लिम, हिंदू, कोई भी है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है अपने हिसाब से दुआ जरूर करिएगा तुर्की के लिए, शाम के लिए। ये जरा छोटी सी चीज सुन लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। जब जमीन भूचाल से हिला दी जाएगी और जमीन अपने अंदर के बोझ निकाल फेंकेगी और इंसान कहेगा कि इसको क्या हुआ है, उस रोज वो अपने हालात बयान कर देगी क्योंकि तुम्हारे परवरदिगार ने उसको हुक्म भेजा होगा। उस दिन लोग तरह तरह के होकर आएंगे ताकि उनको उनके आमाल दिखा दिए जाएं। तो जिसने जर्रा भर नेकी की होगी वो उसको देख लेगा और जिसने जर्रा भर बुराई की होगी वो उसे देख लेगा। जी भाई, ये आपने छोटी सी तर्जमे के साथ सुने हैं कि मतलब कुरान के अंदर क्या चीज़ें लिखी हैं, और ये वही चीज़ें हैं जो आज हमारे सामने हैं। इन चीज़ों से पाकिस्तान के ऊपर तो पूरी दुनिया के ऊपर कुछ ना कुछ होता ही रहता है, बट ये है कि बाज़ औक़ात दिल को बहुत सारी चीज़ें लग जाती हैं। मेरे सामने ऐसा ऐसा वीडियो आया देख के दिल रोता है। तो मेरी दुआ है अल्लाह से, मैं अल्लाह से रिक्वेस्ट करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इसमें शाम के ऊपर, तुर्की के ऊपर अपना खास करम फरमाए, अपनी खास रहमत फरमाए। जो लोग इस जलजले के दौरान दुनिया से चले गए हैं अल्लाह पाक उनकी मफ़रत फरमाए, अल्लाह पाक उनको जन्नत अल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। जिन जिन भाइयों का, बहनों का, जिन जिन का घर उजड़ा है, जिनके मतलब प्यारे जो हैं वो दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह पाक उनको सब्र अता फरमाए। मेरी ये दुआ है कि बस बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ, बट मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो को छोटा और शॉर्ट करके बनाऊं और बड़ा मैसेज दे के जाऊं। मेरी तमाम लोगों से अपील है, स्पेशली प्रे फॉर जो है ना वो तुर्की और शाम के लिए करिएगा,
बस अल्लाह पाक हमारे मुल्क के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर अपना खास खास करम फरमाए, बस ये मेरी दुआ है। तो जितने भी मेरे भाई जुड़ेंगे जरूर कमेंट्स के ऊपर प्रे मतलब आमीन सुम आमीन, अपनी तरफ से जो भी दुआ आप लिखना चाहते हैं जरूर लिखें, और वीडियो को जरूर शेयर करें, और जो भाई यूट्यूबर आएंगे उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज, ये वक्त जो होता है ये व्यूज लेने का नहीं होता, लाइक लेने का नहीं होता, दुआ से तकबीर बदल जाती है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है दुआ करें, जरूर करें, जिस भी हाल में उन लोगों की दुआ करें, बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है। अभी के लिए वीडियो को बंद करता हूँ, सारे भाइयों को, सारे बहनों को दिल से अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, जिनका कोई भी ख्याल नहीं रखता उनका बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, जाते जाते शेब भाई के लिए भी मतलब पाकिस्तान में उनके लिए भी खास करके दुआ कीजिएगा, तुर्की और शाम के लिए बढ़ चढ़ के दुआ कीजिएगा जितना हो सके, मेरी तो दुआ है अल्लाह पाक मुझे इस काबिल करे कि मैं उन लोगों के जाके कुछ कर सकूँ उनके लिए, यही अल्लाह से मेरी दुआ है, बस आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह हाफिज़।